उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सूबे की हर घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वो हर छोटे से छोटे घटना को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। सोनभद्र की घटना को लेकर भी वो पहले तो योगी सरकार पर ट्विटर के जरिए वार कर रही थी, मगर अब प्रियंका ने धरना पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिसके बाद सूबे का सियासी पारा फिर चढ़ गया है। सोनभद्र की घटना को लेकर संसद में तो संग्राम है ही, वहीं सड़क पर भी हाहाकार मच गया है। इस घटना को लेकर पहले ही योगी सरकार घिरी हुई थी कि इस बीच अब प्रियंका गांधी की धरना पॉलिटिक्स ने सूबे की सरकार की नींद उड़ा दी है। दरअसल सोनभद्र में 10 आदिवासियों पर भूमाफियाओं की कार्रवाई ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी आज यूपी के दौरे पर पहुंची थी, जहां सबसे पहले उन्होंने बनारस पहुंचकर बीएचयू अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। और इसके बाद जैसे ही प्रियंका सोनभद्र में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकली, तभी मिर्जापुर में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हालातों का हवाला देते हुए प्रियंका को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर प्रियंका इस कदर नाराज हुई कि विरोध में सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। ऐसे में पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और प्रियंका गांधी को गाड़ी में बैठाकर चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। प्रियंका ने कहा कि वो पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ितों से मिलने जा रही थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। प्रियंका ने पूछा कि आखिर उन्हें क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। वही प्रियंका को यूं जबरन रोके जाने पर अब कांग्रेस पार्टी बिफर गई है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी के सोनभद्र में प्रियंका को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट करना विचलित करने वाला है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। यह साबित करता है कि बीजेपी सरकार में यूपी में किस तरह से असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। वही पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर योगी सरकार को किस बात का डर सता रहा है। दूसरी तरफ अब सीएम आदित्यनाथ योगी ने भी इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये घटना पुरानी है, जिसके लिए उनकी सरकार नहीं बल्कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।